गंगानगर के घड़साना से दर्दनाक खबर सामने आ रही है, जहां पर सड़क हादसा हुआ है। सड़क हादसे ने 3 जिंदगियां जो है वो छीन ली है। धांधू चौराहे पर दर्दनाक भीषण सड़क हादसा हुआ है। पिकअप और ट्रैक्टर के बीच जोरदार टक्कर हुई है। पिकअप सवार 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई है। ट्रैक्टर चालक गंभीर घायल हुआ है। घायल चालक को CHC में भर्ती करवाया गया है। घड़साना थाना क्षेत्र की यह घटना है। और हमारे साथ में रवि बिश्नोई हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। रवि, कब का ये पूरा मामला और अभी क्या हालात मौके पर हैं? देर पहले का है और भारत वाला हाईवे है। घरसाना से बीकानेर रोड के ऊपर धांधू एक मोड़ आता है, वहां पर यह हादसा हुआ है, जहां पर एक ट्रैक्टर ट्रॉली चल रही थी हाईवे पर, उसके पीछे से एक जीप ने टक्कर मारी है। जीप के अंदर कुछ सवारियां थी और इसके बाद में ये काफी दर्दनाक हादसा था और जीप सवार 3 जनों की मौके पर मौत हुई है। इसमें एक रोचक बात एक ये भी रही, दुखद बात, कि जो जीप थी उसके बाद एक जो बाइक सवार था वो भी पीछे से आके जीप में टकरा चुका और गंभीर घायल हो चुका है। मौके की सूचना मिलने पर आसपास के लोग पहुंचे हैं। देसली गांव पड़ता है, वहां के सरपंच के कुछ लोग थे वो वहां पर मौके पर पहुंचे और उन्होंने वहां पर घायलों की मदद करनी चाहिए, परंतु 3 जो लोग थे उनकी वहां मौके पर मौत हो गई। घड़साना पुलिस को भी सूचना मिली और वहां से भी ASI दिलबाग सिंह मौके पर पहुंचे हैं। फिलहाल वहां पर जो अन्य लोग हैं उनको संभाला जा रहा है। ये हादसा हुआ उस वक्त वहां पर बारिश भी हो रही थी और संभवतः सड़क पर फिसलन बनी है और अचानक से पिकअप जीप जो है वो आगे चल रही ट्रैक्टर ट्रॉली को देख नहीं पाई। ट्रॉली के अंदर रिफ्लेक्टर नहीं थे और इस तरह से कुछ लापरवाहियां इस हादसे के लिए जिम्मेवार रही। जी रवि, इसमें आपने बताया कि इसमें एक व्यक्ति घायल भी है, उसकी क्या स्थिति फिलहाल बताई जा रही है? जी बिल्कुल, एक जो बाइक सवार था जो कि हादसा होने के बाद पिकअप जीप और जब ट्रैक्टर वहां दुर्घटनाग्रस्त सड़क पे थे, उस दौरान एक बाइक सवार भी इसमें आकर पीछे से दुर्घटना उसकी हो गई। उस घायल को वहां पर एम्बुलेंस के जरिए PSC घड़साना में भिजवाया गया, जहां पर उसका उपचार जारी। जी चलिए रवि, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो हमारे वरिष्ठ सहयोगी रवि बिश्नोई हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए थे, जो बता रहे थे कि सड़क हादसे ने 3 जिंदगियों को छीन लिया है। एक व्यक्ति इस पूरे हादसे में गंभीर रूप से घायल हुआ है, जिसे घड़साना के PSC में इलाज के लिए भिजवाया गया है एम्बुलेंस से।